नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रसभरी फल के बारे में। रसभरी फल का नाम सुनते ही बस खाने का मन कर जाता है। ये छोटा सा पीला सा बिल्कुल टमाटर जैसा देखने में लगता है। इसे किप, गुसबेरी, गोल्डन बेरीज, इनका बेरी, ग्राउंड बेरी, रास्प बेरी और रसभरी के नाम से भी जानते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको रसभरी खाने के फ़ायदों को विस्तार से बताऊँगी। डायबिटीज़ के मरीज़ इसे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या फिर डेजर्ट के रूप में शामिल कर सकते हैं। रसभरी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए एक वरदान है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों के पास खाने के बहुत कम विकल्प होते हैं। इंसुलिन को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे में रसभरी उनके लिए बेस्ट है और ये डायबिटीज़ मरीज़ों के ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह फल वज़न घटाने में भी आपकी मदद कर सकती है। ये छोटे फल आपके दैनिक पोषक तत्वों का एक बड़ा हिस्सा देते हैं, जिससे आपको अपना वज़न कम करने के एम को ट्रैक पर रखने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद फाइबर और पानी की अच्छी मात्रा कब्ज़ को रोककर पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। फाइबर से भरपूर रसभरी को अपने आहार के रूप में उपयोग करना बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा पैक्टिन फाइबर में यह गैस्ट्रोएंटेरिटिक्स पथ की परेशानी को शांत करने और कब्ज खत्म करने में मदद करता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। फाइटोकेमिकल्स जैसे पॉलीफेनॉल और कैरेटिनॉइड की उपस्थिति के कारण रसभरी हाई ब्लड प्रेशर के स्तर को नियमित रखता है। घुलनशील पैक्टिन फाइबर के साथ ये खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ठीक करता है। पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाने की वजह से रसभरी में सर्दी और फ्लू से लड़ने की भी क्षमता होती है। रसभरी विटामिन ए से भरपूर है, जो आपकी आंखों की दृष्टि के लिए बहुत लाभकारी होगा। रसभरी में पाए जाने वाले उच्च कैरेटिनॉइड सामग्री के कारण यह आपके आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अक्सर इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। कैरेटिनॉइड विशेष रूप से ऑक्युलर सिस्टम पर ऑक्सीडेटिव तनाव को खत्म करते हैं। हड्डियों की समस्या से परेशान लोगों के लिए रसभरी बहुत असरदार माना जाता है। इसमें पैक्टिन पाया जाता है, जिससे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा सही बनी रहती है। इसमें कई फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं, जो हार्ट के लिए फायदेमंद होते हैं। सूजन और लालिमा का इलाज करके त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। विटामिन सी और फॉलिक एसिड से भरपूर होने के साथ यह बालों के विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। और अब रसभरी फल से संबंधित कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। बिना पके रसभरी को खाने से बचें, क्योंकि यह जहरीला होता है। जंगली रसभरी को भी खाने की सलाह नहीं दी जाती है। यदि आपको अन्य बेरीज से एलर्जी है, तो आपको इसके सेवन से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट महिलाओं को इसके सेवन से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि रसभरी से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते, तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।